इन दिनों अलग अलग रामलीलाओं में लाखों लोग भक्ति और श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन देख रहे हैं। रामलीला एक ऐसा मंच है जो जाति, धर्म और उम्र का भेदभाव किए बिना समाज के हर वर्ग को एक दूसरे के करीब लाता है। राम जन्म हो या फिर 14 वर्ष का राम का वनवास, इन लीलाओं में इस तरह उनका मंचन किया जाता है कि दर्शकों को रामचरित्र से जुड़ी घटनाओं में कब कई साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लोग बड़े मन से आते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं और पूरे समय बैठते हैं। हर व्यक्ति रामायण की पूजा करता है, मानता है, भगवान को मानता है और धार्मिक प्रवृत्ति होती है। और अगर हम इन ग्रंथों के मार्ग पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, अहिंसा के रास्ते पर चलें, तो शायद हमारा जीवन सफल हो। क्योंकि रामायण से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। माँ बाप की सेवा कैसे होती है, अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहें, अच्छा काम करें, समाज सुधारक का काम करें। रामलीला में भगवान राम के जीवन का जो वर्णन रामायण महाकाव्य में लिखा हुआ है उसे हूबहू नाटक के रूप में मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। रामलीला में रामायण का स्वरूप पूरी तरह रामचरितमानस पर आधारित है, जो कि उत्तर भारत में कथा कहने का एक बहुत ही प्रचलित जरिया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी रामलीलाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। भले ही घर घर में टीवी और इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन इन लीलाओं को देखने वाले दर्शकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। और इससे साफ होता है कि रामलीलाएं जितनी पहले प्रासंगिक थी उतनी ही आज भी हैं। कैमरामैन विजय चंदेल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।